सो वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। आज 7 से 8 महीने बाद मैं एक मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। सो थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि वो काम जो हम अक्सर रोज़ किया करते थे, हफ्ते में एक दो व्लॉग डाला करते थे हमारे चैनल पे, उसके बाद अब एक लंबा टाइम पीरियड निकला है 7 से 8 महीने का जब हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:32 और मैं निकल चुका हूँ मेरे घर कोटा राजस्थान से MP मध्य प्रदेश नागदा के लिए। वो मैंने रखा था लास्ट संडे राइड पे मैं गया था, तो उसके बाद मैंने टैंक खाली रखा था ताकि मैं टैंक फिल करवा के एक बार आइडिया ले सकूँ कि हमारी गाड़ी कल हाईवे पे क्या माइलेज आ रहा है। हम 1240 रुपए का फ्यूल इसमें आया है और ट्रिप को कर दिया हमने 0। तो भी 25 किलोमीटर चलने के बाद मैं रुका हूँ अलनिया में टोल के जस्ट पहले PUC वैन के पास में, क्योंकि मेरा PUC एक्सपायर हो चुका था और मुझे टाइम मिला नहीं इसका PUC निकलवाने के लिए नया, इसलिए मुझे वैन दिखी तो मैंने सोचा लगे हाथ PUC भी बनवा लिया जाए, क्योंकि हम बाहर के किसी स्टेट में जा रहे हैं, हमें नहीं पता वहाँ की पुलिस कैसे रिएक्ट करती है स्पोर्ट्स बाइक को देख के। इस वजह से हमें हमारे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। तो गाइस हम आ गए थे थोड़े से गलत रोड पे, यहाँ पे शायद टनल बन रही है, अंडरपास या टनल अंडरपास बन रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य सड़क कार्य प्रगति पर है, धीरे चले सावधान। ठीक है, बाकी बहुत पीछे से ब्लैंक है और ये रोड किसी को भी देख के नहीं लगेगा कि ये आगे जाके बंद हो सकता है, तो वापस 3 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा पीछे, फिर बाईपास है वहाँ का नागदा के लिए। सो अब तक मेरी बाइक चल चुकी है 92 किलोमीटर और मैं पहुँच चुका हूँ झालावाड़ के आसपास। ये ईसर कंपनी का एक पेट्रोल पंप है और यहाँ ये खदान है जिसपे मैं इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज के लिए फ़ोटो खींचने के लिए रुका था। जो अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लो, क्योंकि राइड के छोटे मोटे जो भी अपडेट्स हैं वो लाइव अपडेट उसी। एक बार देखो अगर मैं ट्राई करता हूँ वहाँ तक बाइक, अगर कोई रोकता नहीं है तो वहाँ तक बाइक लेके जाने का और आप लोगों को व्यू दिखाने का, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा है खदान का, क्योंकि मैंने भी पहले कभी खदान देखे नहीं है इन माई लाइफ, तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। बस कोई रोके ना, हम बस यहाँ। वाह व्हाट अ व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। हम नीचे से जा सकते थे बट मुझे नीचे से नहीं देखना, इसको ऊपर से ही देखना है। ओह माय गॉड, ऑफ रोड। What a beautiful view. What a beautiful view. Maybe ये कोटा स्टोन है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है, क्योंकि मैं कोटा से हूँ तो मुझे पता है ये हमारे घर में भी ये वाला
पत्थर लगा हुआ है, तो मुझे इतना तो याद है कि कोटा स्टोन तो है, और मेरे को ऐसा लगता है यहाँ ब्लैक ग्रेनाइट वगैरह और भी बहुत कुछ निकलता है। तो मिलता हूँ मैं गाइस आपको, और ये व्यू अच्छा लगा हो तो तीसरी बार कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट अभी कर दो। सो अभी मैं झलावाड़ के आगे एक टोल है, टोल के आगे रुका रुका क्यों, क्योंकि रुकना पड़ा है मेरे को। इंजन का इतना काम करवाने के बाद भी पता नहीं क्या इशू है, इस ब्रिज को क्रॉस करते करते मेरी बाइक अचानक बंद हुई और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू हो रहा है, बट ये कुछ ऐसी आवाज़ कर रही है। का इशू है या क्या इशू है या कोई सेंसर का इशू है, आई रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ माय बाइक। क्योंकि अभी मैं सिर्फ 100 किलोमीटर बाहर आया हूँ कोटा के, पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। मैं अभी कॉल लगा रहा हूँ TVS सर्विस सेंटर पे कोटा, देखो क्या होता है, फिर जो भी होता है अपडेट देता हूँ मैं। ये गाड़ी बंद होने के बाद ये भाई लोग मुझे मिले, इन्होंने मुझे 2 से 3 किलोमीटर पीछे थे हम लोग जहाँ हमारी गाड़ी बंद हुई थी, उस वक्त यहाँ तक ये भाई लोग हमें टल्ली मार के लेके आए। आज फिर एक बात साबित हो गई कि ये जो कम्यूटर बाइक्स होती ना, ये इनसे तो बेटर होती है कम से कम। और थैंक यू सो मच भैया, आपका शुभ नाम अजय, ये अजय भाई और विराट, अजय भाई और विराट भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई कॉन्टेक्ट में रहूँगा, भाई आइए कभी कोटा।